हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूआई डिज़ाइन बनाने वाले हैं लॉगिन पेज का, तो फिग्मा पे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फिग्मा ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने फिग्मा ओपन कर लिया है। यहाँ पे ऐसा लेआउट नज़र आएगा जब आप फिग्मा ओपन करेंगे। तो अब मैं न्यू फाइल बनाऊँगा। न्यू फाइल बनाने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर तो ये न्यू फाइल मेरी ओपन हो चुकी है। तो अब मैं डेस्कटॉप के लिए लॉगिन पेज क्रिएट करूँगा। तो लॉगिन पेज जो हम यूआई डिज़ाइन बनाने वाले हैं, अब डेस्कटॉप के लिए मैं फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने फ्रेम पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो फ्रेम है आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मैं डेस्कटॉप के लिए मैकबुक एयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने मैकबुक एयर सेलेक्ट किया तो ये फ्रेम ओपन हो चुका है। तो अब मैं वन साइड पे मैं इमेज रखूँगा और दूसरी साइड पे मैं फॉर्म रखूँगा। तो यहाँ पे राइट जो लेफ़्ट साइड पे इमेज रखूँगा तो यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने के लिए मैं एक रेक्टेंगल उठाऊँगा। ये रेक्टेंगल मैंने पकड़ा और यहाँ से स्टार्ट करा तो मैं इसे ले जाता हूँ लास्ट तक। यहाँ से अटैच कर लेता हूँ। ओके ग्रेट। यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने के लिए मुझे मेन्यू में जाना पड़ेगा। फाइल में जाऊँगा, फिर प्लेस आ इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट करके ओपन करके यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा। यहाँ पे मेरी इमेज आ चुकी है। वन साइड पे इमेज होगी और दूसरी साइड पे मैं फॉर्म बनाने वाला हूँ। ओके, अब मुझे दूसरी साइड पे पहले पहले जो शो करवाना है वो है हेडिंग। तो मैं एक टेक्स्ट उठाता हूँ यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मुझे टेक्स्ट चाहिए। ओके, यहाँ तक। बाद में इसे सेंटर में भी कर लेंगे। मुझे फिलहाल इसका जो साइज़ चाहिए वो होगा 30। ओके, और बोल्ड। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा लॉगिन फॉर्म। ये हो गया लॉगिन फॉर्म। मैं इसको बिल्कुल फिट कर लेता हूँ। ओके, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। ओके हो गया। मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए कॉपी एज अ टेक्स्ट, फिर से मैं कंट्रोल वी दबाऊँगा तो ये होगा, कॉपी हो गया। अब इसका मैं साइज कम कर देता हूँ 20 और रेगुलर। मैं लिखूंगा वेलकम। वेलकम बैक डियर यूजर। ओके, अब मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ। ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट। ये तो हेडिंग हो गई है। अब मैं जो इनपुट होगी ये यूज़र नेम के लिए या ईमेल के लिए तो वो इनपुट बनाऊंगा। इनपुट बनाने के लिए मुझे फिर से एक रेक्टेंगल उठाना पड़ेगा। यहाँ से मैं रेक्टेंगल स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक। आई थिंक हाइट भी बिल्कुल परफेक्ट है और मुझे इसमें एक टेक्स्ट भी चाहिए होगा, प्लेस होल्डर। तो ये हो गया टेक्स्ट और इसका मुझे साइज़ कम करना होगा। 16 कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। ओके सॉरी, फिर से ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर यूज़र नेम। अब मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ। आई थिंक ये परफेक्ट लग रहा है।
एंड कंट्रोल वी, ये कॉपी हो गया है। इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये जो आई थिंक रेगुलर है, बिल्कुल ठीक है, ये भी रेगुलर है। इसका मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, तकरीबन 60 ही रहे, बिल्कुल ठीक लगेगा। ये भी 60 रहे, हाइट 60 रहे, ओके। इसको मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, ओके। इसको भी सेंटर में कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर पासवर्ड, कूल, आई थिंक बिल्कुल फिट है। तो इसे फिर से मैं कॉपी कर देता हूँ टेक्स्ट को, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से, और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसे लाइन इक्वल कर लेता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हो गया। अब मुझे आई थिंक बटन की कमी है, वो बटन भी लगा देते हैं। इसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको पकड़ता हूँ, फिर स्क्रॉल डाउन, आई थिंक इसे इक्वल कर लेता हूँ, ये बिल्कुल इक्वल है। अब इसे फिर से कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसे करता हूँ बिल्कुल सेंटर में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबमिट, सबमिट। अब इसको सेंटर में कर देता हूँ, ओके, कूल। इसका जो बॉर्डर रेडियस है, क्योंकि मुझे सर्कल में थोड़ा सा चाहिए, अब ये बिल्कुल ठीक है। इसका जो कलर है, मुझे थोड़ा चेंज करना है कलर, मुझे ना ऑरेंज चाहिए, ये वाला थोड़ा सा मज़ीद, बिल्कुल परफेक्ट है। इसका जो कलर है वाइट रहेगा, ये वाइट रहा, और मैं इसे बोल्ड भी कर लेता हूँ, ये बोल्ड भी हो गया, ओके, कूल। मुझे ये वाला ना ग्रीन चाहिए, ये डार्क ग्रीन, ये हो गया डार्क ग्रीन, आई थिंक परफेक्ट है। और ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये रहा और ये रहा, ये वाला भी, ओके। इसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी ठीक लग रहा है। हाँ, अब कैसा लग रहा है आपको भाई लोग, मुझे ज़रा बताएं। मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 5 पिक्सल, और इसे भी मुझे 5 पिक्सल देना चाहिए, ये हो गया 5 पिक्सल। अब तो ठीक लग रहा है। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मुझे 40 चाहिए, ठीक ही था। ये ठीक रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, इसे भी थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट। मुझे अब डेस्कटॉप के लिए मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने यूआई डिज़ाइन बनाया है, तो इसे डेवलप भी करेंगे एचटीएमएल और सीएसएस जावास्क्रिप्ट के साथ। तो अभी मैं मोबाइल डिज़ाइन बनाने वाला हूँ, मतलब कि मोबाइल फ्रेम के लिए अभी डिज़ाइन बनाऊंगा। तो फ्रेम सेलेक्ट करूँगा फिर से, और ये डेस्कटॉप के लिए रहा। अब मुझे फ़ोन के लिए चाहिए, तो ये आईफोन 14 एंड 15 ये रहा, तो ये इक्वल भी कर लेता हूँ मैं इसे, बिल्कुल बराबर हो, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इसे कॉपी करूँगा कंट्रोल सी
एंड कंट्रोल वी। तो मैं इसे पकड़ता हूँ, फिर से यहाँ पे ले आता हूँ। ओके बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये जो है ना, ओके कोई बात नहीं, मैं इसे पकड़ता हूँ कॉपी, फिर से कंट्रोल वी, और ये कंट्रोल वी तो हो चुका है, ये मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ओके इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करता हूँ। आई थिंक वहाँ पे गई नहीं, तो कॉपी तो हो चुकी है। बहरहाल इसे ऊपर ले जाना है। ओके बिल्कुल फिट, ये मुझे ठीक लग रहा है। फिर से इसे कॉपी करना है और यहाँ पे इमेज को पेस्ट करना है, और इससे पकड़ कर यहाँ पे, और इसे थोड़ा सा जो है ना इस तरह से। वाह नाइस कूल बिरादरे, ये बिल्कुल मैं इसे छोटा कर देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आई थिंक अब जो है ना ठीक लग रहा है। ये हो गया भाई लोग मोबाइल साइज, और ये हो गया डेस्कटॉप साइज। कैसा लगा लॉग इन फॉर्म? ये वीडियो रही यूआई डिज़ाइन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डेवलप करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।